हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाते हैं। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तो उसे आप कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपको जो है आपके मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, आप देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना है YouTube.com। जैसे ही आप YouTube.com सर्च करते हैं तब आपका यहाँ पर YouTube चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ये ध्यान रहे, कॉपीराइट स्ट्राइक तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत खतरनाक होती है। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देंगे, इससे आपका मोबाइल जो है लैपटॉप की तरह है खुल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉर्नर में छोटा सा, आप यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहां पर आपके चैनल का लोगो नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहां पर फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है योर चैनल, यानी आपका चैनल, उस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज चैनल का, आप देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका studio.youtube.com ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, चैनल का उल्लंघन यानी कि सक्रिय कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक में से मेरी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब आपके चैनल पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिन के अंदर आएंगी तभी आपका चैनल YouTube से डिलीट होगा। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स दी होगी, आपके में स्ट्राइक कब आई है, आप देख सकते हैं मेरे में कॉपीराइट स्ट्राइक कब आई है। स्ट्राइक ऑन जनवरी 27, 2023, यानी कि 27 जनवरी को मेरे को ये स्ट्राइक लगी थी, जो कि रिमूव होगी एक्सपायरी ऑन अप्रैल 27, यानी कि 27 अप्रैल को ये रिमूव हो जाएगी अपने आप। 90 दिन जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पर होती है, 90 दिन के बाद जो है ये डिलीट हो जाती है अपने आप। तो 90 दिन आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है जिसमें दूसरे का कंटेंट, दूसरे का म्यूजिक यूज किए हों। यहाँ पर सी एक्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन मिलता है, अगर आपका कंटेंट है लेकिन किसी ने फेक स्ट्राइक दे दी है तो प्रतिवाद सबमिट कर सकते हैं, उसे कोर्ट तक ला सकते हैं, लेकिन हमें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने, तो दावेदार से संपर्क करें पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसका एड्रेस दिया होगा, यानी कि मेल आईडी दी होगी उसकी, जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, तो यहाँ से उसकी मेल आईडी जो है कॉपी कर लेंगे, कॉपी एड्रेस, इसके बाद अपनी मेल आईडी ओपन कर लेना है। मेल के जरिए हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं कि हमने आपका कंटेंट यूज किया है, प्लीज़ हटा दीजिए। मेल आईडी पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल आईडी है, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देंगे कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से आपको पूरा फिल कर देना है, माफ़ी मांग लेना है, और अपनी मेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक भी दे देना है जिस वीडियो पर स्ट्राइक लगी है, उस वीडियो की लिंक दे देंगे। नीचे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और चैनल का नाम जो है वो लिख करके इसे सेंड कर देना है। अब जब वो आपका मेल देख लेगा, शायद आपका रिप्लाई आ जाए तो आपकी स्ट्राइक हट भी सकती है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल की कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हैं। उसका रिप्लाई आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो 90 दिन आपको वेट कर लेना है, इसके बाद स्ट्राइक हट जाएगी। लेकिन 90 दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड ना करें कि दोबारा स्ट्राइक लगे, तीन स्ट्राइक पर आपका चैनल डिलीट हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।